बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह की ज़ात आपको खुश रखे और कामयाब करे। इसी दुआ के साथ हम आज अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। बेटा, हमारा आज का टॉपिक है IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड को हेलो अल्केन भी कहते हैं। इसमें आप देखें दो वर्ड आ रहे हैं, एक अल्काइल और एक हैलाइड। मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था, अगर आप लोगों ने पहली क्लास IUPAC नोमेनक्लेचर की, जिसमें मैंने अल्काइल ग्रुप को एक्सप्लेन किया था, अल्काइल ग्रुप की नोमेनक्लेचर और स्ट्रक्चर लिखना सिखाया था, उस टॉपिक का हमने जो बड़ी ऊपर हेडिंग डाली थी वो थी स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। मैंने आपको बताया था कि हर ऑर्गेनिक कंपाउंड के दो पार्ट्स होते हैं, एक अल्काइल ग्रुप और दूसरा फंक्शनल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप, ये अल्काइल, और हैलाइड क्या है? जहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है। अल्काइल ग्रुप का जनरल फार्मूला आपको पता है क्या होता है? CnH2n+1, और एक बॉन्ड फ्री होता है। ये बॉन्ड क्यों फ्री होता है? ताकि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप लग जाए। यहाँ पर ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? हैलाइड जी, एक्स। एक्स बेटा क्या है? एक्स हैलोजन है। हैलोजन क्या होते हैं पता है ना आपको? क्या मैं आपको कह सकता हूँ हैलोजन? आप बेटा, हैलोजन क्या होते हैं? हैलोजन एलिमेंट्स हैं जो पीरियाडिक टेबल में ग्रुप 7A में पाए जाते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन। एस्टेटीन का जिक्र आप लोगों की बुक में नहीं है, कम से कम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो उसका जिक्र बिल्कुल भी नहीं है, और फ्लोरीन का जिक्र भी बहुत कम जगहों पर है। ज़्यादातर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहाँ आपको हैलोजन मिलेंगे वो कौन से हैं? क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब स्टार्ट करते हैं इसकी नोमेनक्लेचर। बेटा, इनके नाम लिखने के सारे वही रूल हैं जो अल्केन के या अल्कीन के या अल्काइन के आप लोगों ने पढ़े। इनमें ये जो हैलोजन होती है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनको साइड चेन के तौर पर कंसिडर किया जाता है। जिस तरीके से मिथाइल, इथाइल या प्रोपाइल, इससे पहले हम लोग क्या करते थे? साइड चेन के तौर पर, रेडिकल के तौर पर, सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर लेते। यहाँ पर फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आइडो कंसिडर किए जाएंगे एज आ साइड चेन, एज आ सब्स्टिट्यूएंट, और इनके नाम भी पेरेंट चेन के नाम से पहले लिखे जाएंगे। बाकी सारे रूल्स वही हैं, तो इसलिए आप लोग इससे पहले वाली सारी क्लासेस बहुत अच्छे तरीके से अटेंड कर लें। मैं रूल दोबारा रिवाइज़ कर देता हूँ। सबसे पहले कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, और अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं तो वो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड आ जाएं। फिर दूसरे नंबर पर क्या करना है? लॉन्गेस्ट चेन के कार्बन की नंबरिंग करनी है। नंबरिंग उस तरफ से करनी है जिस तरफ से डबल या ट्रिपल बॉन्ड में से कोई भी पहले आ जाए। अगर दोनों तरफ से डबल ट्रिपल बॉन्ड सेम पोजीशन पर आ रहे हैं तो फिर क्या काम करना है? जिस तरफ से डबल पहले आ जाए। और बेटा, अगर डबल ट्रिपल की बेस पर फैसला नहीं कर पा रहे या डबल और ट्रिपल बॉन्ड है ही नहीं, सारे सिंगल बॉन्ड हैं, तो फिर उस तरफ से नंबरिंग करनी है जिस तरफ से वो ब्रांच आ जाए, चाहे वो मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, कोई भी साइड रेडिकल जिस तरफ से पहले आ जाए। लेकिन अगर दोनों तरफ से ये रेडिकल सेम पोजीशन पर आ रहे हैं तो फिर क्या काम करना है? उस तरफ से नंबरिंग करनी है जिस तरफ से वो ब्रांच जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम है वो पहले आ जाए। जैसे मिथाइल का मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम है तो पहले उसको प्रेफर करेंगे। फिर फ्लोरो, मिथाइल का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 15। फ्लोरो को कितना होता है? 19। तो फिर फ्लोरो को कंसिडर करेंगे। फिर इथाइल को, इसका 29। फिर क्लोरो को, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 35.5। और इसके बाद फिर प्रोपाइल को, फिर ब्यूटाइल को, और फिर किस तरफ को जाना है? ब्रोमो की तरफ। अब इसका मैं एक मेंबर लिखता हूँ, CH3 और CL। अब इसमें एक ही कार्बन है तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक ही कार्बन है, इसमें कोई चेन मैन है ही नहीं। तो आप किस तरीके से नाम लिखेंगे? ये साइड ब्रांच है, ये सब्स्टिट्यूएंट है, पहले इसका नाम लिखेंगे। क्या नाम लिखेंगे? क्लोरो। फिर इसका नाम अल्केन के तौर पर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एक कार्बन है तो मीत, और अल्केन के नाम के आखिर में क्या आ जाता है? AND, तो क्या बन जाएगा? क्लोरोमीथेन। अब जरा देखें, हम लोगों ने अल्काइल हैलाइड को अल्केन का डेरिवेटिव कंसिडर किया है, कि ये अल्केन है जिसमें एक जगह पर हाइड्रोजन की जगह क्या चीज़ अटैच हो गई है? क्लोरीन अटैच हो गई है।
आप अगला मेंबर देखें, सी एच थ्री, सी एच टू और सी एल। आप पहला काम क्या करना है, कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। तो ये जनाब हो गई कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन। अब एक क्लोरीन है, वो चाहे यहाँ अटैच होती है यहाँ अटैच होती है, पोजीशन क्या होती है, वन। अगर यहाँ अटैच है तो इसको वन कहेंगे, अगर ये यहाँ अटैच होती तो इस तरफ से नंबरिंग स्टार्ट करते, कार्बन वन पर आ जाती। लिहाजा चूँकि इसकी पोजीशन भी फिक्स है, वन ही है, तो इसकी भी नंबरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या नाम लिखेंगे, पहले साइड ब्रांच का नाम क्या नाम बनेगा, क्लोरो। फिर पेरेंट चेन का नाम, कितने कार्बन है, दो, तो क्या लिख देंगे, ईथ। और क्या बन जाएगा नाम, क्या बन जाएगा, क्लोरोइथेन। जी बेटा आप ज़रा देखें, यहाँ पर सी एच थ्री, सी एच और इसके साथ सी एल और सी एल। अब क्या काम करना है, सबसे पहले कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। तो ये जनाब कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन हो गई, उस तरफ से नंबरिंग करनी है जिस तरफ से ये ब्रांचेस पहले आ जाएं। इनको हम लोग एज अ साइड ब्रांच, एज अ सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर कंसिडर करेंगे। तो ये इस तरफ से कार्बन वन पर आ रहे हैं, तो यहाँ से कंसिडर इसकी नंबरिंग करेंगे। तो अब कैसे नाम लिखेंगे, पहले इन साइड ब्रांचेस का नाम क्लोरो, ये भी क्लोरो, दो दफ़ा आ रहा है तो नाम एक ही दफ़ा लिखेंगे, और उससे पहले क्या करेंगे, डाई लिख देंगे। तो अब इनकी पोजीशन लिखेंगे, ये क्लोरोकार्बन वन पर, ये भी वन पर, तो क्या नाम लिखेंगे, वन वन डाई क्लोरो। अब साइड ब्रांचेस का नाम लिख दिया, अब क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन का नाम लिखेंगे। लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन हैं, दो, तो क्या लिखेंगे, ईथ। और अल्केन के तौर पर इसका नाम लिखेंगे, ईथेन। अब ये देखें सी एच टू, सी एच टू, एक सी एल इसके साथ, एक सी एल इसके साथ लिख दिया। क्या काम करना है, शाबाश बताएं, सबसे पहले कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। तो जनाब ये हो गई कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन। अब लॉन्गेस्ट चेन के कार्बन की नंबरिंग करनी है, उस तरफ से करनी है जिस तरफ से कोई भी साइड ब्रांच पहले आ जाए। इस तरफ से ये ब्रांच पहले आ रही है वन पर, ये वाली ब्रांच इधर से वन पर आ रही है, इधर से ये वन पर आ रही है, इसके अलावा कोई और है ही नहीं। तो क्या नाम देंगे, ज़रा देखें, जिस तरफ से दिल करता है। अब यहाँ पर ये कार्बन वन और इसको हमने क्या कह दिया, टू। पहले इन साइड ब्रांच का नाम लिखेंगे, दोनों क्लोरो हैं, दोनों का नाम एक ही दफ़ा लिखेंगे और डाई लिखेंगे। और इसकी पोजीशन भी मेंशन करनी है, इस क्लोरो की भी, कार्बन वन पर, इस क्लोरो की पोजीशन कार्बन टू पर है, तो क्या लिखेंगे, वन टू डाई क्लोरो। और पेरेंट चेन का नाम क्या लिखेंगे, दो कार्बन है तो क्या लिखेंगे, ईथ। और ये अल्केन के तौर पर, क्योंकि कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, तो इसे हम क्या कहेंगे, ईथेन। वन टू डाई क्लोरो ईथेन। अब जनाब इसके बाद ये देखें सी एच टू, सी एच बी आर, ये भी बी आर, और इसे भी हम लोग कह देते हैं बी आर। अब क्या काम करना है, शाबाश, अब इसका नाम आप खुद लिखने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। तो कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन कौन सी हो गई, ये कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, उस तरफ से नंबरिंग करनी है जिस तरफ से ये सब्स्टिट्यूएंट, ये जो साइड ब्रांचेस हैं, यहाँ क्लोरो ब्रोमो आइडो फ्लोरो, इनको हम लोग सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर लेते हैं, साइड ब्रांच के तौर पर लेते हैं, जिस तरफ से ये पहले आ जाते हैं। इस तरफ से करते हैं तो ये कार्बन वन पर आ रहा है, इस तरफ से करते हैं तो ये कार्बन वन पर आ रहा है। तो इसकी बेस पर आप फैसला नहीं कर पा रहे, क्यों, क्योंकि दोनों तरफ से इनकी पोजीशन सेम है। तो फिर क्या करेंगे, दिल से पूछेंगे कि आप बता तेरी क्या मर्ज़ी है, किस तरफ से नंबरिंग करनी है। जी जनाब नहीं, अभी भी हमारे दिल की नहीं चलेगी, इसके अलावा, इन दो के अलावा एक और भी साइड ब्रांच है, एक और भी सब्स्टिट्यूएंट है, ये वाला। अब देखना यह है कि ये जिस तरफ से पहले आ रहा हो, तो ये इस साइड से पहले आ रहा है, तो इधर से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। ये कार्बन वन, ये वाला कार्बन टू, तो अब नाम क्या लिखेंगे, तीन ब्रोमो हैं, दो कौन सी साइड पर हैं, ज़रा बताएं, दो इनकी पोजीशन पहले लिखेंगे, ये भी वन पर, ये भी वन पर, और ये किस पर है, टू पर है। क्या नाम लिखेंगे, पहले इन ब्रोमो का नाम लिखेंगे,
तीन ब्रोमो हैं, तीन कौन सी पोजीशन पर है, ये कार्बन वन पर, ये भी कार्बन वन पर, ये कार्बन टू पर, तो क्या लिखेंगे, वन वन टू ट्राई ब्रोमो, ट्राई ब्रोमो। और जनाब अब पेरेंट चेन का नाम, पेरेंट चेन में कितने कार्बन हैं, दो, तो क्या लिखेंगे, ईथ, और इनको अल्केन कंसिडर किया जाता है तो क्या लिखेंगे, ईथेन, वन वन टू ट्राई ब्रोमो ईथेन। अब इसके बाद इसको नाम दें, पहला काम क्या करना है, कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। तो बेटा कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, एक दो तीन चार, बहुत सारे स्टूडेंट आइडो को भी लॉन्गेस्ट चेन में कंसिडर कर लेते हैं, तो बेटा ये गलती नहीं करनी। सबसे ज़्यादा गलतियाँ जो स्टूडेंट करते हैं वो कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन की सिलेक्शन में करते हैं, तो आप लोगों ने ऐसा नहीं करना। तो हमारी लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी बता सकते हैं, एक दो तीन चार पाँच, ये वाली लॉन्गेस्ट चेन होगी, या आप ये भी ले सकते हैं एक दो तीन चार पाँच। तो जनाब लॉन्गेस्ट चेन कार्बन की, ये हम लोग लॉन्गेस्ट चेन कंसिडर कर लेते हैं कार्बन की, जी सिलेक्ट कर ली कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन। अब उस तरफ से नंबरिंग करनी है जिस तरफ से कोई भी ब्रांच पहले आ जाए। इस तरफ से देखें तो मिथाइल कार्बन वन और टू पर आ रहा है, इधर से वन और टू पर आइडो आ रहा है, दोनों तरफ से सेम पोजीशन, ये कौन सी कार्बन पर आ रहा है, टू पर, ये कौन से कार्बन पर आ रहा है, टू पर। जब दोनों तरफ से ब्रांच की पोजीशन सेम आ जाए फिर ये देखना है जिस तरफ से इनकी इनमें से छोटी ब्रांच पहले आ जाती है। तो आप ज़रा देखें, मिथाइल जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम है, छोटी का क्या मतलब है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम है, मिथाइल का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 15, कार्बन का 12 और एक हाइड्रोजन का 1, 3 हाइड्रोजन का हो जाएगा 3, 3 और 12 कितना जाएगा 15, 15, और आयोडो का मॉलिक्यूलर वेट होता है 127, तो किसका मॉलिक्यूलर वेट कम है, CH3 का, तो इसको प्रेफर करना है जिस तरफ से ये पहले आ जाए। तो जनाब इस तरफ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, ये कार्बन 1, कार्बन 2, 3, 4 एंड 5। अब लॉन्गेस्ट चेन के कार्बन की नंबरिंग कर दी, अब क्या काम करना है, अब नाम लिखना है। नाम कैसे लिखेंगे, पहले ये साइड जो ब्रांचेज हैं, ये जो सब्स्टिट्यूएंट हैं, मिथाइल, क्लोरो, ब्रोमो और आइडो, इनके नाम लिखने हैं, लेकिन कैसे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से। बेटा ब्रोमो बी से आता है, सबसे पहले ये आएगा, फिर क्लोरो आएगा सी से, फिर आइडो आई से, और फिर कौन सी चीज़, मिथाइल जो एम से आता है। तो क्या नाम लिखेंगे, पहले ब्रोमो, ब्रोमो से पहले उसकी पोजीशन, क्या पोजीशन लिखेंगे, 3-ब्रोमो, फिर क्लोरो, 3-क्लोरो, ये क्लोरो भी कार्बन 3 पर है, 3-क्लोरो, फिर 4 पर आइडो है जी जनाब, फिर 2 पर मिथाइल है, 2-मिथाइल। ये हाइफन क्यों डाला, क्योंकि आइडो और 2 के दरमियान क्या आता है, हाइफन आता है, 2-मिथाइल। अब बेटा साइड ब्रांचेस जितनी भी थी उनके नाम लिख दिए, अब क्या करेंगे, पेरेंट चेन का नाम लिखेंगे, पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, 5, तो 5 को क्या कहते हैं, वहाँ पर मैंने लिख दिया है पेंट, 5 को क्या कहते हैं, पेंट। और इन क्योंकि कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो इनको क्या कहेंगे, अल्केन, तो अल्केन का सफिक्स क्या होता है, ANE, तो बन गया पेंटेन। इसका नाम क्या बना, 3-ब्रोमो, 3-क्लोरो, 4-आइडो, 2-मिथाइल पेंटेन जी जनाब। आप ज़रा देखें CH2 डबल बॉन्ड, CCl, फिर C ट्रिपल बॉन्ड, CCBr, CH3, फिर कौन सी चीज़ बेटा, I। अब क्या काम करना है, कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, वो लॉन्गेस्ट चेन जिसके अंदर डबल और ट्रिपल बॉन्ड आ जाएँ। ज़रा देखें यहाँ पर डबल और ट्रिपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड आ रहे हैं, तो बेटा जब मल्टीपल बॉन्ड आ जाते हैं तो वो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी होती है जिसमें सारे के सारे मल्टीपल बॉन्ड आ जाएँ, यानी वो सारे कार्बन आ जाएँ जिनके दरमियान डबल या ट्रिपल बॉन्ड है। ये दो कार्बन भी लाजमी चेन के अंदर आने चाहिए क्योंकि इनके दरमियान डबल बॉन्ड है, ये दो कार्बन भी लाजमी लॉन्ग चेन के अंदर आने चाहिए क्योंकि इनके दरमियान कौन सा है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो अब हम लोग पहले कंसिडर करते हैं, सेलेक्ट करते हैं कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन। तो बेटा ये चेन यहाँ तक नहीं होगी, बहुत सारे बच्चे इसको यहाँ तक चेन कंसिडर कर लेते हैं, नहीं ये भी चेन के अंदर आ जाएगा,
तो देखें ये आपके पास लॉन्गेस्ट चेन हो गई कार्बन की जी जनाब। कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली, फिर क्या काम करना है, लॉन्गेस्ट चेन के कार्बन की नंबरिंग करनी है, उस तरफ से नंबरिंग करनी है। आप पहले ब्रांच को नहीं देखना कि किस तरफ से क्लोरो ब्रोमो या आइडो पहले आ रहा है, पहले ये देखना है जिस तरफ से डबल या ट्रिपल में से कोई भी बॉन्ड पहले आ जाए। इस तरफ से अगर नंबरिंग करते हैं तो डबल बॉन्ड कार्बन वन पर आ रहा है, ये कार्बन वन टू डबल बॉन्ड कार्बन वन पर आ रहा है, इधर से नंबरिंग करते हैं वन टू थ्री पर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, तो किस तरफ से बॉन्ड पहले आ रहा है, इस तरफ से बेटा। तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे कार्बन वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स। अब लॉन्गेस्ट चेन की कार्बन की नंबरिंग कर दी, अब क्या काम करना है बेटा, पहले साइड ब्रांचेस का नाम लिखना है, साइड ब्रांचेस आइडो ब्रोमो और क्लोरो, इनके नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर से लिखने हैं, नाम लिखने से पहले इनकी पोजीशन लिखने हैं, और जब इनके नाम लिख देंगे तो फिर पेरेंट चेन का नाम लिखेंगे कार्बन की तादाद की बेस पर, फिर अल्कीन डबल बॉन्ड का सफिक्स डालेंगे, फिर ट्रिपल बॉन्ड का सफिक्स यानी वाइन डालेंगे। तो अब क्या नाम लिखेंगे, ये ब्रांचेस कौन सी, क्लोरो ब्रोमो आइडो, बता सकते हैं अल्फाबेटिकली पहले कौन सा आएगा, जी ब्रोमो बी से आ रहा है, बी पहले आता है, फिर क्लोरो सी से, ये बी के बाद आता है, और आइडो आई से स्टार्ट हो रहा है। तो क्या नाम लिखेंगे, पहले ब्रोमो, ब्रोमो की पोजीशन क्या लिखेंगे, फाइव ब्रोमो जी जनाब, फाइव ब्रोमो, फिर क्लोरो कौन से कार्बन पर है, टू पर, टू क्लोरो, फिर आइडो कौन से कार्बन पर है, फाइव पर, तो क्या लिखेंगे, फाइव आइडो जी। साइड ब्रांचेस के नाम लिख दिए, अब पेरेंट चेन का नाम लिखेंगे, स्टेम चेन, प्रिंसिपल चेन या पेरेंट चेन, लॉन्ग चेन भी इसको कहते हैं, मेन चेन भी कहते हैं, इसका नाम लिखेंगे, कितने कार्बन हैं, छः, तो छः को क्या कहते हैं, ज़रा देखें, हेग्स, तो क्या नाम लिखेंगे, हेग्स। अब ये अल्केन के तौर पर ए एन ई नहीं आएगा आखिर में, अल्केन का सफिक्स एन नहीं आएगा, बल्कि अल्कीन का और अल्काइन का, तो पहले किसका सफिक्स लिखते हैं, अल्कीन का, तो पहले इसकी पोजीशन लिखेंगे डबल बॉन्ड की, डबल बॉन्ड कहाँ पर आ रहा है, कार्बन वन पर, तो वन लिखेंगे, और डबल बॉन्ड के लिए क्या लिख देंगे, डबल बॉन्ड चूँकि अल्कीन होता है तो ईन लिख देंगे, ई एन। फिर उसके बाद क्या काम करना है, ट्रिपल बॉन्ड कौन से कार्बन पर है, थ्री पर, तो थ्री लिखेंगे, और ट्रिपल बॉन्ड को कैसे लिखते हैं, वाई एन ई। तो जनाब ये हो गया इसका नाम। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी, ये रूल समझ में आ चुके होंगे। अब मैं यहाँ पर कंपाउंड लिखता हूँ, आप लोग भी मेरे साथ साथ जिनको लिख लीजिएगा, फिर उसके बाद वीडियो को स्टॉप कर दीजिएगा, इनके नाम लिखने की खुद कोशिश कीजिएगा, और ख़ुद लिखने, कहीं से हेल्प नहीं लेनी, जब लिख लें उसके बाद वीडियो को आगे चलाएं और देखें कहीं कोई गलती तो नहीं की। मुझे उम्मीद है कि आप लोग कोई गलती नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई गलती आ भी जाती है तो कोई बात नहीं है, यहाँ पर जितनी गलतियाँ कर सकते हैं कर लें, ताकि बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, बोर्ड के एग्ज़ाम में आप लोग गलती न करें, वहाँ पर गलती की गुंजाइश नहीं होती जनाब। तो फिर क्या करना है, आप ज़रा देखते हैं कि यहाँ पर मैं आगे कंपाउंड लिख देता हूँ। उम्मीद है आपने इसकी नोमेनक्लेचर कर ली होगी, अब ज़रा आप लोग इसको समझें और देखें। सबसे पहले वो इसमें वो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें सारे डबल और ट्रिपल बॉन्ड आ जाएँ। तो बेटा हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन कौन सी बनेगी, क्या ये लॉन्गेस्ट चेन होगी, नहीं, यहाँ से ये साइड पर जाएंगे और फिर इधर यहाँ तक जाएंगे, तो ये आपके पास लॉन्गेस्ट चेन हो गई कार्बन की। कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन उस तरफ से नंबरिंग करनी है जिस तरफ से डबल या ट्रिपल बॉन्ड में से कोई भी बॉन्ड पहले आ जाए। तो ज़रा देखें, इधर से कार्बन वन और टू पर ये डबल बॉन्ड आ रहा है, इधर से वन और टू पर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, तो जनाब दोनों तरफ से डबल और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन टाई हो रही है, बराबर आ रही है। तो फिर क्या करेंगे, ब्रांच को देखेंगे, नहीं जनाब, क्या करना है, जिस तरफ से डबल बॉन्ड पहले आ जाए, जब डबल और ट्रिपल में मामला बराबर हो जाता है, टाई हो जाता है, तो फिर क्या करते हैं, जिस तरफ से डबल बॉन्ड आ जाता है, डबल बॉन्ड को प्रेफर करेंगे, तो इस तरफ से डबल बॉन्ड कार्बन वन और टू पर आ रहा है, इधर से ट्रिपल बॉन्ड वन और टू पर ये ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, तो इस तरफ से नंबरिंग करेंगे, क्योंकि इधर से डबल पहले आ जाता है, कार्बन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन और एलेवन जी जनाब। लॉन्गेस्ट चेन की कार्बन की नंबरिंग भी कर दी, अब क्या करना है, नाम लिखना है। नाम कैसे लिखेंगे, पहले ये साइड ब्रांचेस के नाम लिखेंगे, साइड ब्रांचेस कौन से, आइडो मिथाइल क्लोरो
ये इथाइल है। अब यहाँ पर इसको एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है, जब ये साइड ब्रांच के तौर पर आ जाता है तो इसको एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पर इसको क्या लिखें, क्लोरो ब्रोमो ब्रोमो। तो जनाब पहले इनके नाम लिखेंगे अल्फ़ाबेटिकल आर्डर से। पहले किसका नाम आएगा बता सकते हैं आप, किसका नाम आएगा? शाबाश, आप लोगों ने किसका नाम पहले लिखा था, ब्रोमो का। कितने ब्रोमो हैं, दो, एक और दो। पहले इनकी पोजीशन लिखनी है, एक कार्बन सात पर और एक आठ पर। तो क्या नाम लिखेंगे, सेवन एट डाई ब्रोमो लिखेंगे, डाई ब्रोमो। जी जनाब, फिर उसके बाद क्लोरो। क्लोरो कौन सी पोजीशन पर है, फोर और सेवन, फोर सेवन डाई क्लोरो, डाई क्लोरो। फिर क्या लिखना है, आइडो, नहीं आइडो से पहले इथाइल आएगा, ई पहले आता है आई बाद में आता है। तो इथाइल का क्या लिखेंगे, कौन सी पोजीशन पर है, फोर, फोर इथाइल। बेटा जो हम लोगों ने लिखना है अल्फाबेटिकल आर्डर में, वो डाई ट्राई वगैरह को कंसिडर नहीं करना, ब्रोमो का बी, क्लोरो का सी और इथाइल का ई, ये कंसिडर करने हैं। फिर क्या लिखेंगे, इथाइल भी लिख दिया, अब आइडो कौन सी पोजीशन पर आइडो आ रहा है, टू पर। तो क्या लिखेंगे, टू आइडो। फिर क्या लिखेंगे जनाब, अब इसके बाद मिथाइल कौन सी पोजीशन पर है, थ्री पर। तो लिखेंगे थ्री मिथाइल, जी। इसके बाद क्या काम करना है, अब लांगे जितनी भी ब्रांचेस थी उनके नाम लिख दिए। अच्छा, ये जो हाइड्रोजन है ये कोई ब्रांच नहीं है, जिस तरीके से ये हाइड्रोजन यहाँ पर मैंने इसके साथ लिख दिया है, हाइड्रोजन ये बॉन्ड बना रहा है, ये तीन हाइड्रोजन एक ऊपर एक नीचे एक आगे जाने बॉन्ड बना रहा है, लेकिन एक साथ लिखे बॉन्ड क्यों नहीं किया, यहाँ पर बॉन्ड शो कर दिया। तो हाइड्रोजन कोई ब्रांच वगैरह नहीं होती। तो अब क्या लिखेंगे, पेरेंट चेन का नाम, पेरेंट चेन में 11 कार्बन है, क्या लिखेंगे, 11 को क्या कहते हैं, अनडेक। तो यहाँ पर लिखेंगे अनडेक, अनडेक। फिर डबल बॉन्ड के लिए ईन लिखेंगे, डबल बॉन्ड अल्कीन होते हैं तो उन अल्कीन का सफिक्स क्या होता है, ईन। डबल बॉन्ड कहाँ पर आ रहा है, टू पर, एक ही जगह पर डबल बॉन्ड है, कार्बन नंबर टू पर। तो क्या लिखेंगे, टू ईन। फिर क्या लिखेंगे, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पर आ रहा है, ये फाइव पर और ये एक आ रहा है नाइन पर। तो क्या लिखेंगे, फाइव नाइन डाई वाइन। माइन क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है, अल्काइन है। डाई क्यों लिखा, क्योंकि दो जगहों पर आ रहा था। जी जनाब, ये इसका नाम बन गया। अब आप देख रहे हैं कंपाउंड छोटा है और उसका नाम बड़ा है। बेटा ये मैं जो काम करवा रहा हूँ थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर ये आपको समझ में आ गया तो इंशाल्लाह बोर्ड के एग्ज़ाम में आप लोगों को परेशानी नहीं होगी, अल्लाह ने चाहा तो। अब इसको ज़रा देखें, इसमें लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी, क्या ये स्ट्रेट लॉन्गेस्ट चेन है, स्ट्रेट को ज़रा देखें, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ। इसके अलावा एक और भी लॉन्गेस्ट चेन है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ और दस। तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये वाली लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे, कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, जिसमें सारे के सारे डबल और ट्रिपल बॉन्ड आ जाते हैं। जी जनाब, ये लॉन्गेस्ट चेन है। अब किस तरह से नंबरिंग करनी है, जिस तरह से डबल या ट्रिपल में से कोई भी पहले आ जाए, तो इधर से ये ट्रिपल वन पर आ रहा है, इधर से डबल वन टू और थ्री पर ये डबल आ रहा है, तो यहाँ से ये ट्रिपल पहले आ रहा है, तो इस तरफ से नंबरिंग करेंगे, कार्बन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, कार्बन एट, कार्बन नाइन और कार्बन टेन। सबसे पहला काम क्या किया, कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की, जिसके अंदर सारे मल्टीपल बॉन्ड यानी डबल और ट्रिपल बॉन्ड आ गए। फिर उसके बाद लॉन्गेस्ट चेन की कार्बन की नंबरिंग की, उस तरफ से नंबरिंग की जिस तरफ से डबल या ट्रिपल में से कोई भी पहले आ जाए, यानी ट्रिपल पहले आ रहा था लिहाजा उस तरफ से हमने नंबरिंग की है। फिर क्या काम करना है, अब नाम लिखना है। नाम कैसे लिखते हैं, ब्रांचेस के नाम पहले लिखेंगे, मिथाइल इथाइल ब्रोमो मिथाइल क्लोरो और क्लोरो, इनके नाम पहले लिखेंगे, लेकिन पहले इनकी पोजीशन लिखेंगे। तो पहले किसका नाम लिखेंगे, इनका नाम अल्फाबेटिकल आर्डर, ब्रोमो पहले आएगा, सेवन पर ब्रोमो है तो क्या नाम आ जाएगा, सेवन ब्रोमो। फिर क्या लिखेंगे, फिर क्लोरो,
तो दो क्लोरोन, एक नाइन पर दूसरा भी नाइन पर, तो क्या लिखेंगे, नाइन नाइन डाई क्लोरो। डाई क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि दो दफ़ा है, डाई क्लोरो। फिर किसका नाम लिखेंगे जी, ब्रोमो का भी नाम लिख दिया, क्लोरो का भी नाम लिख दिया, अब दो मिथाइल रह गए और एक इथाइल, इथाइल पहले आता है, तो क्या लिखेंगे पहले इसकी पोजीशन, फॉर इथाइल। फिर क्या करेंगे, मिथाइल आठ पर और तीन पर, ये वाला मिथाइल तीन पर, ये वाला मिथाइल आठ पर, तो क्या लिखेंगे, थ्री एट डाई मिथाइल, डाई मिथाइल जी। सारे सब्स्टिट्यूएंट, सारी ब्रांचेस का नाम लिख दिया, अब क्या करेंगे, पेरेंट चेन का नाम लिखेंगे, पेरेंट चेन में कितने कार्बन हैं, दस, तो दस को क्या कहेंगे, डेक, तो क्या लिखेंगे, डेक। अब इसके बाद क्या काम करना है, डबल बॉन्ड के लिए सफिक्स लिखना है, डबल बॉन्ड कहाँ पर आ रहा है, थ्री पर, और ये वाला सात पर, सात और आठ के दरमियान आ रहा है, तो पोजीशन क्या होगी, सात, थ्री और फोर के दरमियान आ रहा है, तो इनमें से जो छोटा नंबर वाला कार्बन है, थ्री, थ्री पोजीशन हो जाएगी, तो क्या पोजीशन होगी, थ्री, और इसमें इस डबल बॉन्ड की पोजीशन कहाँ पर है, सात पर, तो क्या लिखेंगे, डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे, डबल बॉन्ड अल्कीन होते हैं, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, ईन, डाई ईन, डाई क्यों लिख रहे हैं कि दो दफ़ा है। फिर ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन, ये वाला ट्रिपल बॉन्ड कार्बन वन पर, ये वाला ट्रिपल बॉन्ड कार्बन फाइव पर है, तो क्या लिखेंगे, वन फाइव, ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, डाई वाइन। इस कंपाउंड का नाम लिखते हैं, कार्बन की वो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें सारे डबल और ट्रिपल बॉन्ड आ जाएं, तो ये स्ट्रेट चेन ही बन रही है, इसमें सारे डबल और ट्रिपल बॉन्ड आ गए हैं, उस तरफ से नंबरिंग करनी है जिस तरफ से कोई ब्रांच पहले आ जाए, नहीं बेटा, जिस तरफ से डबल या ट्रिपल में से कोई पहले आ जाए, तो बता सकते हैं किस तरफ से नंबरिंग करेंगे, इस साइड से नंबरिंग करेंगे, यहाँ पर डबल बॉन्ड पहले आ रहा है, इधर से वन टू थ्री और फोर पर आ रहा है, तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे, कार्बन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट और नाइन। अब जनाब लॉन्गेस्ट चेन की कार्बन की नंबरिंग कर दी, अब क्या काम करना है, फिर काम ये करना है किसका नाम लिखना है, नाम कैसे लिखेंगे, पहले ये जो साइड ब्रांचेज हैं इनके नाम लिखेंगे, कौन कौन सी हैं, इथाइल, इथाइल क्यों इसको इथाइल कराएं, दो कार्बन है, इसमें भी दो कार्बन है इथाइल, ये भी इथाइल है, तीन इथाइल हैं, ये मिथाइल है, इसमें क्यों इसको मिथाइल कराएं, एक कार्बन है, इसको क्लोरो ब्रोमो और आइडो, तो इनके नाम अल्फाबेटिकल आर्डर से लिखेंगे और नाम से पहले इनकी पोजीशन लिखेंगे, पहले अल्फाबेटिकल आर्डर से आता है ब्रोमो, बी से स्टार्ट हो रहा है, ब्रोमो कार्बन सेवन पर है, तो क्या लिखेंगे, सेवन ब्रोमो, सेवन ब्रोमो। फिर क्लोरो आठ पर आ रहा है, क्लोरो एट क्लोरो। फिर इथाइल, तीन इथाइल हैं, एक कार्बन टू पर, एक फाइव पर, एक सेवन पर, तो पोजीशन तीनों की लिखेंगे, टू फाइव सेवन ट्राई इथाइल। फिर क्या लिखेंगे, आइडो, आइडो कौन से कार्बन पर आ रहा है, सिक्स पर, तो लिखेंगे सिक्स आइडो जी। फिर मिथाइल, मिथाइल कौन से कार्बन पर आ रहा है, ये मिथाइल कार्बन एट पर आ रहा है, एट मिथाइल। फिर पेरेंट चेन का नाम लिखेंगे, पेरेंट चेन में नौ कार्बन है, तो क्या लिखेंगे, नौ को क्या कहते हैं, नॉन, तो यहाँ लिखेंगे नॉन। और अब डबल बॉन्ड की पोजीशन और उसका सफिक्स लिखेंगे, डबल बॉन्ड कार्बन वन पर आ रहा है और इधर से कार्बन नंबर फाइव पर आ रहा है, तो क्या लिखेंगे, वन फाइव, डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे, डाई ईन। डाइल क्यों लिखा, क्योंकि दो दफ़ा है, एक कार्बन वन पर और एक कार्बन नंबर फाइव पर। फिर ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन, ट्रिपल बॉन्ड कौन से कार्बन पर आ रहा है, थ्री और फोर के दरमियान है, तो क्या मतलब, थ्री है इसकी पोजीशन, तो क्या लिखेंगे, थ्री, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, वाई एन ई, थ्री आइन, तो ये इसका नाम बन जाएगा, सेवन ब्रोमो एट क्लोरो टू फाइव सेवन ट्राई इथाइल सिक्स आइडो एट मिथाइल नॉन वन फाइव डाई इन थ्री वाइन। आप इसका नाम ज़रा देखें जी, कि ये मैंने सिंपल सा बना दिया है, इसमें कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन जिसमें सारे डबल और ट्रिपल बॉन्ड आ जाएं, तो जनाब ये हो गई कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन, उस तरफ से नंबरिंग करनी है जिस तरफ से डबल या ट्रिपल में से कोई भी पहले आ जाए, इधर से ट्रिपल वन पर आ रहा है, इधर से डबल वन पर आ रहा है, जब डबल और ट्रिपल की पोजीशन सेम आ जाती है, फैसला नहीं कर पाते, तो फिर क्या कंसिडर करते हैं, जिस तरफ से डबल पहले आ जाए, तो ये डबल इस तरफ से कार्बन वन पर आ रहा है, इधर से ट्रिपल वन पर आ रहा है, तो क्या मतलब, डबल इस तरफ से पहले आ रहा है, तो इस तरफ से लॉन्गेस्ट चेन के कार्बन की नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, कार्बन वन
टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और एट जी, लॉन्गेस्ट चेन की कार्बन की नंबरिंग कर दी। अब क्या काम करना है, नाम लिखना है। नाम में पहले साइड ब्रांचेस क्लोरो मिथाइल आइडो के नाम लिखेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से। अल्फ़ाबेटिकली क्लोरो सी से स्टार्ट रहा है, पहले आएगा, इसकी पोजीशन लिखेंगे सिक्स क्लोरो, सिक्स क्लोरो। फिर क्या लिखेंगे, आइडो आई से स्टार्ट हो रहा है, इसकी पोजीशन है टू टू आइडो। फिर लिखेंगे मिथाइल, फाइव पर आ रहा है मिथाइल, ये कार्बन फाइव पर, यह फाइव इसकी पोजीशन है, फाइव मिथाइल। फिर पेरेंट चेन, पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, आठ, तो आठ को क्या कहते हैं, ओक, तो यहाँ लिखेंगे ओक्ट। फिर डबल बॉन्ड की पोजीशन, डबल बॉन्ड कहाँ पर आ रहा है, वन पर और फाइव पर, तो क्या लिखेंगे, वन फाइव। डबल बॉन्ड क्या होते हैं, अल्कीन, अल्कीन का सफिक्स क्या होता है, ई एन, ईन, अल्कीन। उसके बाद ज़रा देखें ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पर आ रहा है, थ्री और सेवन पर, थ्री लिखेंगे और सेवन, दो दफ़ा है तो क्या लिखेंगे, सॉरी यहाँ पर ये मैंने गलती की है, बता सकते हैं क्या गलती की है, शाबाश, अब इतने तो आप लोग काबिल हो जाने चाहिए कि आप मेरी गलती तो कम से कम निकाल सकें, क्या गलती की है। डबल बॉन्ड दो दफ़ा है, दो पोजीशन लिखी है, वन वन, ये डबल बॉन्ड वन पर है और ये डबल बॉन्ड फाइव पर है, लेकिन ईन मैंने एक ही लिखा है, यहाँ क्या लिखना था, डाई ईन, तो जनाब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डाई ईन। फिर थ्री सेवन, दो जगहों पर है, थ्री और सेवन, तो क्या लिखेंगे, डाई, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, वाइन, क्योंकि ये अल्काइन होते हैं, तो नाम क्या बन गया, सिक्स क्लोरो टू आइडो फाइव मिथाइल ऑक्ट वन फाइव डाइन थ्री सेवन डाइन। तो जनाब उम्मीद है आपको अल्काइल हैलाइड की नोमेनक्लेचर की समझ में आ चुकी होगी। आप लोग, आपकी बुक के चैप्टर नंबर एट अल्काइल हैलाइड का चैप्टर है, उसके एंड पे इसके नोमेनक्लेचर के क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप लोग उनकी प्रैक्टिस करें। उसके अलावा अगर आप लोग असाइनमेंट मंगवाना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग मुझे वॉइस नोट भेजेंगे तो आपको असाइनमेंट भेज दूंगा। पहले अनसोल्व असाइनमेंट भेजूंगा, फिर आप लोग जब मुझे बताएंगे कि सर हमने सोल्व कर लिया है तो मैं आपको सोल्व असाइनमेंट भेज दूंगा, ताकि आप लोग उसे मैच कर सकें, कंपेयर कर सकें कि आप लोगों ने काम ठीक किया है या गलत किया है। बेटा नोमेनक्लेचर प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो नोमेनक्लेचर के साथ किसी न किसी तरीके से मुंसलिक होते हैं। जैसे अगर रिएक्शन आ जाते हैं तो रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नाम बताए गए होते हैं। आप लोगों ने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के पहले फार्मूले लिखने होंगे, नोमेनक्लेचर अगर आती होगी तो नाम से फार्मूले और फार्मूले से नाम लिख पाएंगे। अभी तक तो हम लोग फार्मूलों से नाम कर रहे हैं, एंड पे मैं एक क्लास लूँगा जिसमें नाम से फार्मूले किस तरीके से बनाए जाते हैं, ये इंशाल्लाह आप लोगों को समझाया जाएगा। इसके बाद हमारी जो क्लास होगी उसमें हम लोग इंशाल्लाह अल्कोहल की नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। अगर बच्चों आप लोगों को ये वीडियो फ़ायदेमंद साबित हो रही हो, अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा पहुंच रहा है तो आप लोग अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि उनका भी फ़ायदा हो। अल्लाह की ज़ात आप लोगों को कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।